लोकतंत्र के पर्व में आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार नॉमिनेशन को लेकर प्रक्रियाएं चल रही हैं और उसी बीच आज गुलाम नबी आजाद के जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं जीएम सरूरी, उनकी तरफ से नॉमिनेशन जो है आज फिल किया जाएगा। आज गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है। हालांकि पूरी तरह से यहां से यह काफिला अब कठुआ की तरफ निकला है। क्या खास बातचीत हुई है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आजाद साहब, तुम्हें पता है मीडिया है, देखा उन्होंने, जब उनको बोलना होगा वो खोल लेंगे। हाँ हाँ, ये आज नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं आप? आज हम फार्म भरने जा रहे हैं कुठवा में, जहाँ प्यार देखता है, इसलिए हमारे साथ जो सभी लोग जो है जिनकी चॉइस से हमें सपोर्ट करने की, गुलाम नबी आजाद साहब की हमारे साथ है, लिहाजा अल्लाह करे कि हम लोगों की खिदमत करें और वो खिदमत डेवलपमेंट के नाम पे हो। जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट का काम किया, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि हम स्टेट रोड वापस लाएंगे, गरीबों को बिजली फ्री में दे देंगे, ज़मीनें रोशनी की हो, स्टेट लैंड हो या सरकार जो जंगलात की सफेद ज़मीन पहले 40 साल का कब्जा हो वो लोगों को देंगे और टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, अपना वहाँ लोगों के रोज़गार के लिए वहाँ वसाइल पैदा करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारी रियासत में बेरोज़गारी है उसको जो नौजवान हमारे ड्रग्स की तरफ मुलव्वस है उनको वहाँ से छुटकारा दिलाएंगे, उनको रोज़गार दिलाएंगे और साथ साथ में जो हमारे डेली वेजर हैं उनको हम परमानेंट करेंगे, हमारा है कि लोगों की खिदमत करेंगे सही ढंग से। सर इस बार काफ़ी टक्कर है? देखिए टक्कर कुछ नहीं है, मुकाबला हमारा और बीजेपी का, मुकाबला किसी दूसरे हिस्से का नहीं है। जिन लोगों ने उधार बंदे लाए हैं उनकी चक्कर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने अगर कुछ काम किया होगा पिछले 10 साल उनको वोट देंगे, अगर नहीं किया होगा तो हमारी 20 साल की कारकर्दगी भी लोगों को पता है कि मैं मिनिस्टर रहा हूँ, मेरा पूरा लखनपुर से लेके तो चनावेली के अंत तक और पूरे कश्मीर में लोग जानते हैं कि जी एम सरूरी और गुलाम नबी आजाद साहब के कारनामे कैसे हैं, उससे हमें लोग को वोट मांगना है। सर इस बार आप अभी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो कितनी सपोर्ट है लोगों की? पता चलेगा, आप यहाँ घर से तो अभी निकले हैं, वो पता चलेगा वहाँ पहुँच के ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमें पूरी सपोर्ट करेंगे। आज हमने चनावेली से कोई बंदे नहीं लाए क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ कि दूर दराज के एरिया रुदू का महना भी, लिहाजा जो लोग भी आएंगे उधमपुर कुठवा से ही सारे लोग आएंगे। थैंक यू। सरूरी साहब आगे बढ़ो। निकल गए। वो बातें बोली उन्होंने कि